नमन रायन जी, मैं आपका मित्र नारायण आचार्य चंडीगढ़ से। दोस्तों, मैं आज बताऊंगा रतन। बहुत सारे लोग बोल जाते हैं कि नारायण जी, मैं बिलीव नहीं करता, रतन क्या सच्ची में लाभ देते हैं क्या, ऐसे अंगूठियां पहनने से कोई फ़ायदा हो जाता है क्या। आज मैं इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। जो रतन हैं, रतन हमारी बॉडी में कैसे काम करते हैं और किस प्रकार से हमें लाभ देते हैं, इसके ऊपर मैं बताऊंगा। एक ओरा स्कैनर, आप कोई ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सारे ऐप आपके मोबाइल में भी मिल जाएंगे। ओरा आपने देखा होगा, कोई भी भगवान की फ़ोटो, कोई भी देवी देवता की फ़ोटो, कोई भी साधु महात्मा की फ़ोटो देखिए, उनके बैकग्राउंड के अंदर एक चक्र की एक फ़ोटो छपी होती है, एक गोल 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 ऐसे ओरा, एक रोशनी दिखाई देती है आपको, ज़्यादातर फोटोज़ में मिल जाएगा किसी भी भगवान की। आप देखेंगे जैसे कोई प्रभावशाली व्यक्ति आता है जिसका ओरा तेज होता है, जिसके अंदर सारे कलर स्ट्रांग होते हैं, वो कहीं भी जाता है तो उसकी जो ओरा है वो सामने वाले पे हावी रहती है। जिसकी ओरा स्ट्रांग है, जिसके अंदर बॉडी में वो सारे कलर मौजूद हैं, और जिसकी ओरा, उसका तेज, जिसका प्रभाव स्ट्रांग है, वो अपना प्रोडक्ट बेच के आ जाता है, वो अपनी चीज़ को बेच सकता है, वो अपना कोई भी काम किसी से करवा सकता है। बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े ऑफिसर्स, दोस्तों आपने कई बार देखा होगा, एक बहुत बड़े पद के ऊपर एक व्यक्ति चला गया, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल नहीं है, उसके चेहरे का कोई तेज नहीं है, कोई ओरा नहीं है, उसकी कोई बात सुनता नहीं है। मतलब वो बोलता है कि मेरा स्टाफ ही मेरी बात नहीं सुनता, यानी उसका ओरा कमजोर है। यानी जब उसका जन्म हुआ था तब उसका कोई वो वाला ग्रह, जैसे चंद्रमा या मंगल, जैसे मान लीजिए कोई डिप्रेशन का पेशेंट है जिसको स्ट्रेस बहुत जल्दी हो जाता है, गुस्सा जल्दी आता है, यानी उसकी कुंडली में जब जन्म हुआ था तब चंद्रमा की जो पावर थी वो कम है कुंडली में। यानी जो बोल नहीं सकते ज़्यादा, जिनको बोलने में बहुत हिचकिचाहट होती है, यानी उनका मर्करी डाउन है, उनका बुध डिस्टर्ब है। जिसके सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, यानी मंगल कमजोर है कुंडली में। एजुकेशन में जिसका दिमाग नहीं चलता, जिसको क्वेश्चन आंसर याद नहीं होते, जिसको पढ़ाई याद नहीं होती, यानी उसका बृहस्पति डिस्टर्ब है कहीं ना कहीं। जिसके अंदर रंग गोरा है चमड़ी का, लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर सुंदरता नहीं आ रही, अट्रैक्शन नहीं आ रही। बड़े सारे लोग देखे होंगे पके हुए रंग के, बिल्कुल भगवान कृष्ण की तरह श्याम वर्ण काले रंग के, लेकिन उनका क्या रुतबा है, चेहरे में क्या प्रभाव है, वो इंसान एक बात बोलता है तो सामने वाला देखता रह जाता है। दोस्तों इसका अर्थ क्या है, उस इंसान के जो चक्र हैं वो स्ट्रांग हैं, उसके ओरा स्ट्रांग है, और ओरा को स्ट्रांग करने के लिए रतन क्या काम कर सकते हैं आप सोच नहीं सकते। जौन सा कलर हमारी बॉडी में, इंद्रधनुष में जैसे कलर होते हैं, ऐसे हमारी बॉडी में कलर हैं। जौन से ग्रह, जिस ग्रह का प्रभाव हमारी बॉडी में कमजोर है, जैसे मान लीजिए मंगल कमजोर है, तो आपने लाल मूंगा पहना तो मंगल की जो रश्मियां हैं, मंगल मूंगे का जो कलर है, मूंगे का जो पावर है, एनर्जी है, उसकी बॉडी में इनटेक करेगी ही करेगी। बॉडी क्या चीज़ों को खींचती है। जो रत्न आपने पहना, अगर वो रत्न ऑलरेडी उसकी बॉडी में एडवांस ज्यादा प्रभाव है तो बॉडी उसको आउट करेगी, वो रतन आपको सूट नहीं करेगा। जिस चीज की आपकी बॉडी में कमी है तो बॉडी आपके उस रतन के उस प्रभाव को, उस कलर को अपने अंदर खींचेगी ही खींचेगी। और ये हजार बार आजमा के देख लिया, मान लीजिए शनि डिस्टर्ब है तो नीलम अट्रैक्ट करेगा, व्हाइट कलर बहुत पसंद होगा आपको। नीलम जिनको सूट करता है उनको, ज्यादातर लोगों को व्हाइट कलर बहुत पसंद आता है। ये मेरी रिसर्च है दोस्तों, मेरी अपनी रिसर्च है, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, कहीं पढ़ लेना आप, कि नीलम उन लोगों को सूट करता हो कि जिनको व्हाइट कलर ज्यादा पसंद आता हो, उनको चांसेस रहते हैं कि नीलम सूट करने के, और भी कारण हो सकते हैं। इसी प्रकार से नारायण जी, जो रत्न है, आप कोई भी रत्न पहनेंगे, रत्न जैसे आपने रत्न अंगूठी में पहना, तो हम कहते हैं अंगूठी नीचे से खुली हुई होनी चाहिए। खुली हुई होने का मतलब, जैसे मैंने नीलम पहना, नीलम के नीचे से देखिएगा बिल्कुल ओपन रहेगा, यानी नीलम ऊपर से जितना ट्रांसपेरेंट होगा, नीलम जितना खुला हुआ होगा, कोई भी पत्थर ले लीजिए, जब उसकी ऊपर किरणें गिरती हैं, सूर्य की, चंद्रमा की, जैसे रश्मियां ऊपर आएंगी, अल्ट्रावायलेट सिस्टम होता है। अल्ट्रावायलेट सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जो रत्न के ऊपर जब किरण गिरेगी तो उन किरणों को फिल्टर करके, उन किरणों को, उस प्रकाश को फिल्टर करके
आपके बॉडी के रोम छिद्रों के अंदर चला जाएगा। जैसे ही जो छोटे छोटे रोम छिद्र जहां से पसीना निकलता है अपने को बॉडी में, देखे ना पसीना निकलता तो हॉल बने हुए हैं, हॉल में जैसे ही उस रतन की एनर्जी अंदर जाएगी, वो कलर अंदर जाएगा, कलर डायरेक्ट सबसे पहले जाता है ब्रेन के अंदर, हमारे ब्रेन में। ठीक, जैसे ब्रेन में कलर गया तो ब्रेन ने रिसर्च की कि यहां पे कौन से कलर की कमी है, मंगल की कमी है, तो लाल रंग आया तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जैसे ही मंगल आपका पहले से स्ट्रांग है और जैसे ही लाल रंग आपने भेजा तो उसने गुस्से के रूप में बाहर निकालना शुरू कर देना, यानी सूट नहीं करेगा आपको। तो जितने भी रत्न है वो हमारी बॉडी में अकॉर्डिंग टू स्टार डिग्री, अकॉर्डिंग टू स्टार पावर हमारी बॉडी में काम करते हैं। सारे रत्न काम करते हैं, रत्नों के अलावा रुद्राक्ष काम करते हैं। अगर आपको रत्न थेरेपी नहीं समझ आती तो आप रुद्राक्ष पहनिए, रुद्राक्ष में बड़ी एनर्जी है। रुद्राक्ष जेन्युइन मिल जाए और जेन्युइन रुद्राक्ष आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग जेन्युइन तरीके से पहन लिया जाए कि कितना मुखी आपको सूट करेगा, या आप किसी मंत्रों के द्वारा आप अपनी चीजों को ठीक कर सकते हैं, किसी और कलर पत्थर के द्वारा कर सकते हैं, अपने कलर कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं। बड़े सारे तरीके हैं, बड़ी सारी विद्याएं जिसके द्वारा आप ये चीज़ों को अपने बॉडी के अंदर जो कम हुए ज़्यादा हुए कलर को बैलेंस कर सकते हैं। प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन, ध्यान, शक्ति, भक्ति, मंत्र, पूजा पाठ, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन रत्न विज्ञान जो दोस्तों वो काम करता है, काम करता था। पुराने पुराने जमाने में देखेंगे कि फलाने राजा के मुकुट में एक मणि थी, ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल सुनते होंगे। उन राजा ने पूरी धरती के ऊपर, अब आप मोदी साहब को देख लीजिए, मोदी जी के गले में एक मुखी रुद्राक्ष है, और जो जानकार है, जो उनके नज़दीकी व्यक्ति हैं, अब मैं कुछ बातें नहीं शेयर कर सकता आपसे, जो एक मुखी रुद्राक्ष है जिन लोगों के पास है वो बहुत पावरफुल होता है। इंदिरा गांधी जी के पास में एक मुखी रुद्राक्ष था, लेकिन जिस दिन उनकी ये उनके साथ घटना घटी उस दिन को इंसिडेंटली उन्होंने नहीं पहना था, और पहनना भूल गए थे अपना, नाते हुए घर में रख गए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के ले लो, बहुत पुराने पुराने साधु महात्माओं को ले लो, जिनके पास ऐसी मनियाँ थी, ऐसे रत्न थे जिनके द्वारा चमत्कार होते थे दोस्तों। तो नारायण जी, अच्छा लगा आज आपसे, एक अगली बार मिलेंगे एक नए विषय के साथ। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और दूसरों से भी सब्सक्राइब कराएं। अच्छा लगे तो आप वीडियो को वायरल कीजिए, आगे अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। और यदि आप मुझसे पर्सनली आकर के मिलना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर 9011644444 नंबर के ऊपर आप कॉल करके आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। जो प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। और बाकी भी आप सब जगह, सारे स्टेशन पे, आप इंस्टाग्राम पे, आप मुझे फेसबुक पे पेज के ऊपर भी आप मुझे एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नारायण आचार्य के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं गूगल में भी। तो दोस्तों आज्ञा दीजिए। नमो नारायण जी, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी।